पूर्व प्रधानमंत्री को दी गई श्रद्धांजलि। दहिसरपुर के रतन नगर इलाके में रविवार को बीजेपी वार्ड क्रमांक 6 की तरफ से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता व पदाधिकारी उपस्थित होकर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्थानीय विधायिका मनीषा चौधरी, नगर सेवक जगदीश ओझा, जितेंद्र पड़े पटेल, हरीश छेड़ा, वार्ड क्रमांक 6 के अध्यक्ष प्रशांत सिंह, उपाध्यक्ष अशोक राजपूत सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अटल जी को लेकर हर धर्म हर पक्ष के लोग सभा ऐसे कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? अटल जी हमारे पितृतुल्य थे, अटल जी हमारे दैवत थे और अटल जी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष था। अटल जी ने जब ही जन्म लिया तभी देश पारतंत्र में था। अटल जी जब ही राजकारण में आए तभी हमारा पक्ष की हमारी घड़ी चल रही थी। और अटल जी जब भी मुख्य प्रधानमंत्री थे तभी 22 पक्षों का एक एनडीए बना था। और जब भी आज हमारे अटल जी हमारे में नहीं है, अटल जी ने हमारे इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी का जो इतना बड़ा साम्राज्य बना है, इसमें आज 22 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री है, 30 राज्यों में हम लोग मिलीजुली सरकार में है। और अटल जी अभी इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी बड़ी हुई, क्या अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, बाद में लोकसभा के अध्यक्ष हमारी है, राज्यसभा के सभापति हमारे हैं, राष्ट्रपति हमारे हैं, उपराष्ट्रपति हमारे, इतनी भारतीय जनता पार्टी की अटल जी, अडवाणी जी, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी, इन सब लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वटवृक्ष जैसे खड़े हुए और आज इतनी सारी उनकी परम भी बनी है। इसीलिए अटल जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आज अटल जी हमारे में शारीरिक रूप में नहीं है लेकिन अटल जी की प्रेरणा हमारे साथ है और हम ही इतने छोटे कार्यकर्ता है कि जिनको अटल जी के साथ काम करने का हमें सौभाग्य मिला था। इसीलिए हम लोग, अटल जी हमारे दैवत है और अटल जी हमारे लिए अमर ही रहेंगे। अटल जी राजनेता के अलावा एक अच्छे वक्ता कवि भी थे, कवि के रूप में भी उन्हें हर समय याद किया जाता है, ऐसा क्या? अटल जी खाली भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे तो पूरे जनता के नेता थे, इसीलिए 22 पक्ष का एनडीए बना था। अटल जी बहुत अच्छे कवि भी थे और कवि के रूप में आप एक अच्छे संसदपटु भी थे, इसीलिए अटल जी एक अच्छे पत्रकार भी थे, अटल जी एक अच्छे कवि भी थे, अटल जी एक राजनेता भी थे और अटल जी हमारे सबके एक पितृ समान भी थे। मैम एक और सवाल पूछना है, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है औरंगाबाद महानगर पालिका जहाँ पे अटल जी को श्रद्धांजलि सभा दी जा रही थी, उसमें आईएमए कॉर्पोरेटर ने विरोध किया, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं कि करना चाहिए, सब मना रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। आज हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, यहाँ कोई पक्ष का आदमी नहीं है, हमारे अटल जी को अपने देश के प्रधानमंत्री थे, कोई एक पार्टी के नहीं थे। जब आदमी कोई पोस्ट पे जाता है, जब मैं विधायक बनी हूँ तो मैं चुनाव लड़ने तक मैं भारतीय जनता पार्टी में, चुन के आने के बाद मैं जनता के लोक प्रतिनिधि है, ऐसे ही हमारे अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो जो पार्टी ने विरोध करना किया, उन्होंने उनकी समझ वैसी ही थी, जो नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया, लेकिन यह समय नहीं है कि मैं टिप्पणी करूं।